हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग में। मैं स्वाति स्वागत करती हूँ आप सभी का। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूपी कांस्टेबल का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर है वो भी आपका हो चुका है, राइट? तो उस सेकंड शिफ्ट का पेपर जो था वो आपका हुआ है 25 अगस्त को हुआ था, ठीक है? यानी कि कल 25 अगस्त को ये पेपर होने का जो सॉरी हाँ इसके फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है ये 1:23 को हुआ था। ये सेकेंड शिफ्ट वाला फिर आपका 25 अगस्त का है, ये फर्स्ट शिफ्ट का यानी कि मॉर्निंग वाला, ठीक है? तो आपको इसी पेपर का सोल्यूशन यहाँ पर हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आज हम इसके हिंदी के पेपर का सोल्यूशन हम देखेंगे, इसके हिंदी के सेगमेंट का सोल्यूशन हम देखेंगे। हमने जो पिछला पेपर था वो भी हमने सॉल्व किया था और आज हम इसको देखने वाले हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का जो पेपर है वो काफी अच्छा गया होगा, कि जिससे आपको अब यहाँ से आंसर के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आपके जो मार्क्स हैं वो कितने हैं, ठीक है? वो एक आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए, अब जैसे कि इसमें पहला शब्द हमारा आ जाता है कि लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द क्या है। किसका लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द हमको बताना है? लक्ष्य का अर्थ नाम, चाल, गलत या निशाना। ये तो अपने आप में समझ में आ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसका आंसर सही आंसर क्या है? निशाना, ठीक है? नेक्स्ट ये कहते हैं कि नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है। नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? नागर का, ठीक है? देखो, नागर से नगर पे तो पहुंच मत जाना बिल्कुल भी, ठीक? तो नागर का नगर तो बिल्कुल नहीं होता, ढोल, चतुर, ग्रामवासी, ठीक? नागर, ढोल, नागर नहीं, नागर का मतलब होता है चतुर, चतुर व्यक्ति को नागर कहा जाता है, उसका ये पर्यायवाची होता है, ठीक? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, ठीक है? अब यहाँ पे आप देखोगे, पहले ऑप्शन पे जाने से पहले देख लो कि यहाँ पे मन का यानी कि जो शब्द है, एक पूरे शब्द की आवृत्ति हो रही है, वर्णों की आवृत्ति नहीं है। वर्णों की आवृत्ति होती तो कौन सा हो जाता? अनुप्रास हो जाता। बट ये किसकी आवृत्ति है? वर्ण शब्दों की आवृत्ति है। तो ये हमारा कौन सा है? यमक अलंकार है, ठीक है? कौन सा है हमारा? यमक अलंकार है, ठीक? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द बताना है, जो किसी की सहायता करे उसको क्या कहते हैं? सहृदय, जी नहीं, सहचर, साथ चलने वाला होता है, सहकार, नहीं, जो किसी की सहायता करता है ना, मान लो हम जैसे कोई काम कर रहे हैं, उस काम को करने में कोई हमारी मदद करेगा तो वो हमारा सहायक कहलाता है। सहचर, सहकार नहीं, कौन कहलाता है? सहायक कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? सहकार, सहायक, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है, ठीक है? तो कर्ता ने करण कर्म को करण से, कर्म के साथ क्या आ जाता है हमारा? से आ जाता है, ठीक है? तो कर्ता ने कर्म कर्म को करण से। अब देखो, जैसे अगर हम ऑप्शन को सीधा एक बार पढ़ लें कि सुरेश सीमा के लिए खाना लाया, नहीं है। साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, से यहाँ आ रहा है, इसको मार्क कर लो, उनको पढ़ना चाहिए। वह पुस्तक सीता को दे दो, और तो किसी में से नहीं आ रहा ना, ये डायरेक्ट भी यहाँ से आ गया। बट अगर इस तरह से वाले ही आपको सेंटेंस मिल जाए तब आप इसमें कैसे ढूंढते? तब आप ढूंढते कि जो कर्ण है ना, तो वो कर्ण किसके लिए होता है ना? कर्ण किसके लिए होता है? कि जो हमारा कर्म होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है? तो साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, किसकी संगति से क्या सुधर रही है? बुद्धि सुधर रही है ना, तो हमारा ये कर्ण से आ जाता है, सी ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट आता है, अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक? अंतर्निहित, अगर अंतर्निहित को आप बोलोगे तो ये अपने आप में ही एक हलंत का साउंड हमको देता है, ठीक है? किसका साउंड देता है? हलंत। तो अब यहाँ पे देख लो कि जिसमें हलंत लगा हो वही हमारा सही आंसर है। अंतनी प्लस हित गलत है, ये तो नाम से गलत। अंतर प्लस निहित नहीं जी, हो ही नहीं सकता। अंत प्लस निरहित नहीं, ये क्या होगा? अंतः प्लस निरहित होगा, ये विसर्ग वाली हमारा है, ये विसर्ग का नियम बताता है, ठीक है? अंतः प्लस तय हो जाता है हमारा, क्या क्या हो जाएगा? जो रा में चेंज हो रही है, ठीक है? अगर हमारा क्या क्या चीजें आती हैं, त और ई आता है, तो फिर वो हमारा किस में आ जाता है? वो हमारा विसर्ग लग जाता है उस चीज में, अंत है, पूर्णतः शुद्ध रूप हमारा उसमें आना चाहिए, ठीक है? अंत नहीं आएगा, अंत निरत जो अपने मन में नहीं है। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर
हर वर्ष शलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? शलाका सम्मान पुरस्कार, ये क्वेश्चन मैंने पीवाईक्यू में करवाया है, प्रॉपर एज इट इज हमारा ये क्वेश्चन आपको मिला है, ठीक है, कि जो शलाका सम्मान पुरस्कार है वो किस लिए दिया जाता है। खेल कूद तकनीकी, ये तो छोड़ ही दो, ये तो इसमें आ ही नहीं रहे, लेकिन इसमें दो ऑप्शन है हमारे, हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए, भाषा संस्कृति के लिए। तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है ना, हर वर्ष शलाका सम्मान दिया जाता है भाषा संस्कृति के लिए, लेकिन हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैंने आपको पीवाईक्यूज में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन जैसा पीवाईक्यू में था, बिल्कुल वही ये क्वेश्चन है जैसा हमने प्रैक्टिस में भी और पीवाईक्यूज में भी किया था। प्रैक्टिस में जो किए गए क्वेश्चन है ये वही है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, ठीक है। तो किस रस का है सबको मालूम ही होगा अगर जिन्होंने पीवाईक्यूज किए होंगे जी, बिल्कुल रौद्र रस का स्थायी भाव है, ठीक है। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होता है? ठीक, हिंदी में मैं अकेला शब्द है, ठीक है, तो इसका जो बहुवचन बनेगा वो हम से बनेगा, तो केवल हम इसमें आएगा, हम दोनों, हम सब, हम लोग नहीं आएंगे, केवल इसमें हम आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। नेक्स्ट ये कहते हैं कि विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है? ठीक, विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है? सिर चढ़ना, सिर चढ़ाना, सिर उठाना, सिर झुकाना या सिर कटाना। ठीक, विरोध करने का मतलब क्या होता है कि आप किसी के सामने खड़े हो गए है ना, और उस सामने खड़े होने का जो एक मुहावरा निकलता है वो होता है जी सिर उठाना, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। चलिए, स्रोत और स्रोत शब्द युग्म का सही विकल्प बताना है। एक होता है स्रोत, एक होता है स्रोत, ठीक है। तो एक स्रोत का मतलब होता है जो सुनने में अच्छा लगे, और स्रोत का मतलब होता है कि जो कोई हमारे पास क्या हो, कुछ हमारे पास किसी चीज को काम करने का जो एक स्रोत होता है ना, तो उसको हम उद्गम या कुछ भी कह सकते हैं कि जिस वजह से वो काम हमारा हो रहा है वो उसका स्रोत होता है, ठीक है। जैसे पानी का स्रोत क्या हो गया, हमारे यहाँ पे नदियां हो गई, ग्राउंड वाटर हो गया, पानी का स्रोत हो गया, तो एक स्रोत है और दूसरा स्रोत है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, चोरी मृग, सोना तालाब, हृदय, हंसी या उद्गम और स्तुति। बिल्कुल सही बात है, उद्गम और स्तुति हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। नेक्स्ट पर चलते हैं, अली और अली, देखो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है ये, अली और अली, जिसको डाउट हो वो पीवाईक्यू देख लेना, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है, ठीक है। एक होता है अली और दूसरा होता है अली, तो ये जो बड़ी की मात्रा वाला, मैंने पीवाईक्यू में भी यही बताया था, जो बड़ी की मात्रा वाला है, इस अली का मतलब सखी होता है, ठीक है। तो अब जिसमें भी आपको दूसरा ऑप्शन सखी मिल जाए वही इसका सही आंसर है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर इसमें क्या है, सी। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी जाती है ना, तो ये काम किया जा रहा है ना, क्या किया जा रहा है, ये काम किया जा रहा है, तो इसमें सही आंसर हमारा क्या है, क्रमवाच्य। पुस्तक पढ़ी जाती है, तो ये हमारा सही आंसर क्या होगा, क्रमवाच्य होगा, ठीक है। ये कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है वो हमें बताना है, नग्न समान नख नहे, ठीक है। तो इसमें कौन सा हमारा तत्सम शब्द नहीं है वो देखो, नग्न ये भी संस्कृत का शब्द है, क्षमा ये भी संस्कृत का शब्द है, नख ये भी, लेकिन ये जो नेहे है ये हमारा कैसा है, तत्सम नहीं है, ये तद्भव है, ठीक है। ये कहते हैं रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करो। महत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, ये कह रहे हैं कि जो रेखांकित खंड है आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है उसके लिए कौन सा विकल्प सबसे सही होगा, ठीक है। महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, महंत जी को ये अध्यात्म यहाँ गलत लिखा है, का अच्छा ज्ञान है, महंत जी को अध्यात्म ये भी गलत है जी, महंत जी को अध्यात्म का ये भी गलत है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, ठीक है जी। चलिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है। निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ठीक। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, ठीक है। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, तो हमें इसमें क्या बताना है, इसमें हमें सही
जो हमारा उत्तर है वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसका शुद्ध वाक्य जो है, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। यहाँ पे जो ये व्यक्ति लिखा हुआ है, अब निरपराधी व्यक्ति जो है वो भाई महिला या कुछ भी हो, उसको निरपराधी ही कहा जाएगा, अपराधी या निरपराधी, ठीक है। तो उसके लिए व्यक्ति लगाना कोई जरूरी नहीं। उसे पैतृक संपत्ति में, यहाँ पैतृक गलत है, पैतृक होता है, ठीक है। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यही हमारा सही बिल्कुल वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट ये कहते हैं, गम ही शब्द है, गम ही शब्द है, गम ही कैसा शब्द है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, तत्सम है। नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये आपका पूर्णतः तत्सम शब्द है, ठीक है। पूर्णतः कैसा है, तत्सम शब्द है, ठीक। कपाल का पर्यायवाची क्या होता है, कपाल, कपाल का पर्यायवाची क्या होगा, खप्पर, भाग्य, माथा या अदृष्ट। कपाल का सही पर्यायवाची होता है माथा। कपाल किसको कहते हैं, माथे को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बता दे उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन भी कराया है ये वाला, इसके साथ के हमने पीवाईक्यूज, बाकी जो उसके एग्जांपल वाले क्वेश्चन है वो भी किए हैं, तो इसमें तो कोई डाउट होना चाहिए नहीं, होना चाहिए, ठीक है। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। कमर टूटना, कमर टूटना मुहावरे का क्या अर्थ है, जीत जाना, कमर टूट जाना, चोट लगना, निराश होना। कमर टूटने का क्या मतलब होता है, जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, आप किसी काम को कर रहे हैं और आपको उसमें कोई भी आशा नजर नहीं आती, आप निराश हो जाते हैं, उस वाक्य को कहते हैं कि भाई हमारी कमर टूट गई इस काम को करते करते, ठीक है, निराश हो गए मतलब हम। तो ये हमारा सही आंसर क्या होगा इसका, निराश होना। ऐशना, ऐशना का अर्थ क्या होता है, ठीक है। ऐशना का अर्थ क्या होता है, अभिलाषा, अनिच्छा, ईर्ष्या या घृणा, ठीक। तो ऐशना का सही आंसर क्या है, अभिलाषा। ऐशना का मतलब होता है अभिलाषा, ठीक है, ना अनिच्छा ना ईर्ष्या, ठीक। विद्वान का स्त्रीलिंग, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है भाई साहब, जिसने पीवाईक्यूज किए होंगे ना उसका हिंदी का जो सेगमेंट है वो एकदम बेस्ट गया होगा, ये मैं 100% श्योर हूँ मैं इस चीज के लिए। विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए, विदुषी, विद्वान, ज्ञानी या होशियार, स्त्रीलिंग बताना है विद्वान का, तो सही हमारा आंसर क्या होगा इसमें, विदुषी, ठीक है। सही आंसर हमारा क्या होगा इसमें, विदुषी होगा, ठीक। चलिए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए, ठीक भाई, वाह, ये भी हमारा बिल्कुल नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल रिपीटेड है, कई बार मैं इसको करवा चुकी हूँ। ये वाला वाक्य बदल सकता है लेकिन ये वही सही है, ठीक है। ओ, बहुत कठिन समय आया है ना, तो यही हमारा एक विस्मय बोधक चिन्ह इसमें आएगा, और वो विस्मय बोधक चिन्ह हमारा क्या है जी, ए ऑप्शन वाला है, ये वाला, ठीक है। पूर्ण विराम, आधा विराम लगाओ और उसके बाद इसमें क्या कर दो, नीचे बिंदु लगा दो, विस्मय बोधक चिन्ह इसमें आएगा। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है इतिहास से। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, जी वो दिया गया था नीलमणि फूकन को, ठीक है जी, नीलमणि फूकन को ये पुरस्कार दिया गया था। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है, थी, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है, ये हमें बतानी है। अधिकार द्योतक क्रिया, औचित्य बोधक क्रिया, अप्रत्यक्ष क्रिया या योजक क्रिया। चूड़ी अच्छी थी, ठीक है, तो चूड़ी अच्छी थी का मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं उसके चिन्ह को दर्शा रहा है कि चूड़ी का जो स्वभाव था वो अच्छा था, अच्छा है या कैसा है, तो यहाँ पे ये योजक क्रिया के रूप में कार्य करेगा। तो थी का जो इसमें क्रिया है वो कैसी है, योजक रूप है, ना कि औचित्य बोधक। बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग किस भाषा का है, बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग, बद उपसर्ग किस भाषा का है ना, जैसे हम कहते हैं कि कोई एक सलीके से काम कर रहा है, बद सलूकी, बदतमीज, है ना। तो ये हमारा जो बद है ये बद किस भाषा का शब्द है, ये हमें बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, बद सलूकी, आप पूरे शब्द पे जाइए, शब्द हमारा ना तो अंग्रेजी का मिलेगा, ना हिंदी का मिलेगा, ना संस्कृत का मिलेगा, आसान आंसर है बिल्कुल उर्दू और फारसी को मिलेगा, ठीक है।
आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? आत्मनिर्भरता ये निबंध के रचनाकार कौन होंगे? जी वो है बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, ये कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? कौन सा जोड़ा भिन्नार्थक नहीं है? रिपीटेड सॉरी, फिर से वही क्वेश्चन पे हमारे प्रैक्टिस सेट का करवाया हुआ क्वेश्चन फिर से वही आ गया। मैंने पहले ही कहा था PYQ कर लो, आपका आधा पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और ये तो सिर्फ हिंदी में निकले, ना जाने मैथ्स रीजनिंग में भी कितने क्वेश्चन आपको PYQ के रिपीटेड मिलेंगे। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नात्मक है? अणु और अणु, अंत और आरंभ, अनिल और अनल। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो उनका अर्थ है वो अलग अलग है ना। अनिल का मतलब क्या होता है? अनिल का मतलब होता है हवा, और अनल का मतलब क्या होता है? आग। हवा और आग दोनों हमारे कैसे हैं? भिन्नार्थक अर्थ है। तो यही हमारा सी इसका सही आंसर होगा। नहीं, समश्रुत भिन्नार्थक उसने पूछा है, तो इसका सही आंसर होगा अंत और आरंभ। ठीक है, शुरू और खत्म, यानी कि ऑपोजिट हमको एक तरह से बताना है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? अंत और आरंभ। ठीक है, इसके लिए थोड़ा माफी चाहते हैं, इसीलिए हम थोड़ा रुक गए थे। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या है जी? इसका सही आंसर है अंत और आरंभ। समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है जो, है ना, जो समान अर्थ वाला नहीं है, तो हमारे समान अर्थ वाला यही नहीं है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए किस समास का उदाहरण है? समास आपको बताना। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। जल में समाधि, यानी कि जल समाधि। अब मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जहां पे ने में के लिए से अलग ये इस तरह के कारक वाली जो चीजें आती हैं, ठीक है, तो वो हमारा तत्पुरुष समास में चलता है। ठीक, तो आंख बंद करके आप इसमें लगा सकते हो तत्पुरुष समास। तो इसका सही आंसर क्या है जी? तत्पुरुष समास। ठीक है, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्य कृति है? बोलने दो चीड़ को, ये तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको डाउट ये कर सकता है, क्योंकि इस तरह की जो एक तरह से हम कह सकते हैं इस तरह का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा महादेवी वर्मा जी का चला जाता है, बट बोलने दो चीड़ को ये हमारे नरेश मेहता जी की कृति है। ठीक है, बोलने दो चीड़ को ये किसकी कृति है? नरेश मेहता जी की कृति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? ठीक है, द्विज का मतलब क्या होता है? द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण, द्विज का मतलब पक्षी भी होता है, द्विज का मतलब दांत भी होता है, बस विधेय जो हमारा आंसर है ये हमारे द्विज में आंसर में नहीं आता, यही हमारा सही आंसर भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं ब उपसर्ग से बना हुआ शब्द। ठीक, ये बहुत मैंने क्वेश्चन कराए थे उपसर्ग प्रत्यय से, कई बार आपको बताया था कि मूल शब्द को अलग कर दो और मूल शब्द अलग करने के बाद जो बचा वही उसका प्रत्यय या उसका उपसर्ग कहलाता है। बदौलत से, सबसे पहले ऑप्शन में आ जाइए बदौलत। अब बदौलत से ब अलग करेंगे और दौलत अलग करेंगे, मूल शब्द क्या है? दौलत है। ठीक है, बर्दाश्त, तो यहां से बर अलग होगा और दाश्त अलग होगा। बा कलम, तो यहां से बा अलग होगा और कलम अलग होगा। बदनाम, बद अलग होगा नाम अलग होगा, तो किस में आ रहा है जी? बा उपसर्ग, बदौलत में आ रहा है, तो यही हमारा सही आंसर भी है। चलो अब आ जाइए, ये तो हम बिल्कुल, मैं ये कह रही हूँ जितने भी हमने PYQ किए थे कोई भी ऐसा नहीं था जिसमें हमने इसे ना किया हो, यानी कि गद्यांश को ना किया हो। गद्यांश पढ़ते हैं फटाफट और उसके आंसर्स को देखते हैं। ठीक है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लेंगे बिल्कुल भी, थोड़ा सा ये ऐसा समय है कि हर एक स्टूडेंट को थोड़ा सा जल्दी है कि फटाफट अभी मुझे पढ़ना नहीं है, मैं पढ़ चुका हूँ, पढ़ चुकी हूँ, बस मुझे आंसर जानना है, वही काम मैं कर रही हूँ। कोई आपका ज्यादा समय ना लेते हो, डायरेक्ट आंसर आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलिए। राजभाषा का अर्थ राजा या राज्य की भाषा है, वह भाषा जिसमें शासकों या शासन का काम होता है। अंडरलाइन कर लेंगे।
राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राजभाषा का क्षेत्र सीमित होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है। राष्ट्रभाषा के साथ जनता का भावात्मक लगाव रहता है क्योंकि उसके साथ जनसाधारण की सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी रहती है। अंडरलाइन करते चलेंगे साथ साथ। राजभाषा के प्रति वैसा सम्मान हो तो सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वह अपने देश की भाषा हो भी सकती है, किसी गैर देश के शासक की भी हो सकती है। सीधी बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आज हिंदी राजभाषा के रूप में विराजित है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता प्रदान की गई। संविधान की धारा 120 के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाता है। कौन सी धारा के तहत? संविधान की धारा 120 के अनुसार। धारा 210 के अंतर्गत राज्य के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या हिंदी में अंग्रेजी में किया जाएगा। धारा 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। ठीक है। इस भाषा का प्रसार और प्रचार के लिए महात्मा गांधी का योगदान रहा है। धारा 344 में राष्ट्रपति को शासकीय कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग करने अधिक करने के लिए कहा गया है। ठीक है। तो हिंदी भाषा का प्रयोग राजभाषा की तरह से किया जाता है, परंतु एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं क्वेश्चन पे जाने से पहले, कि हमारे देश में अंग्रेजी को ज्यादा प्रावधान दिया जाता है। चाहे कोर्ट में बात की जा रही हो, चाहे कहीं भी बात की जा रही हो, अंग्रेजी को ज्यादा प्रावधान देते हैं, जो कि थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति कोर्ट में जा रहा है, वो अनपढ़ भी हो सकता है, वो कम पढ़ा लिखा भी हो सकता है उसे अंग्रेजी ना आती हो, या हो सकता है कि वो किसी और भाषा को अच्छे से जानता हो। तो वहां पे उस चीज में उस चीज का जाता है, वो बेचारा केवल उनके चेहरे देखता रहता है कि अब मैं क्या जवाब दूं, है ना। तो वहां पे इस तरह की चीजों में भाषा को उसी व्यक्ति के मद्देनजर रखते हुए बोलना चाहिए जिसके लिए वो कार्य किया जा रहा है। ठीक है। चलिए, कहते हैं कि इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर जोर देने की बात की गई है? ठीक है। तो सबसे सही आंसर इसका क्या होगा? किस भाषा पर जोर देने की बात की गई है? हिंदी भाषा। ठीक है। किस भारतीय भाषा को विश्व भाषा बनने में की ज्यादा संभावना है? भारत की विश्व भाषा बनने की भारतीय सॉरी किस भारतीय भाषा की विश्व भाषा बनने की ज्यादा संभावना है? मराठी, गुजराती, हिंदी या कन्नड़? तो इसका तो हमें कोई एक सटीक आंसर पता ही है। हिंदी के बारे में बात करें तो इसका आंसर भी क्या होगा? हिंदी। राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? सामान्य जन भाषा है, सारे देश की संपर्क भाषा है, क्षेत्र सीमित होता है, जनता की भावात्मक और सांस्कृतिक भाषा है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? क्षेत्र सीमित होता है? जी नहीं, राजभाषा क्षेत्र सीमित होती है, ना कि राष्ट्रभाषा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान में किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई? किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई थी? बिल्कुल सही, हमारा यहाँ पे ऊपर हमारा लिखा हुआ है 14 सितंबर 1949 को। तो 1949 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन आता है हिंदी का। इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। भावात्मक भाषा, बोलचाल की भाषा, जनभाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। देखो, भावात्मक नहीं हो सकता क्योंकि भावनात्मक एक ही भाषा को कह रहे हैं, वो राष्ट्रभाषा है। जनभाषा राष्ट्रभाषा, बोलचाल की भाषा हमारी अलग अलग हो सकती है। तो इसका जो उचित शीर्षक हम दे सकते हैं वो है राजभाषा और राष्ट्रभाषा, दोनों के बारे में बात की जा रही है। ठीक है। एक बार सभी अपने क्वेश्चन के आंसर को मैच कर लेना और सारे PYQs आपको यहाँ पर मिलेंगे, हिंदी के भी, SST के, सॉरी SST कह रही हूँ, GS के, मैथ्स के, रीजनिंग के, सभी के यहाँ पे आपको आंसर की यहाँ पे मिल जाएगी। आप अपने आंसर डायरेक्ट वहां पर देख सकते हो, बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है। वो बिना किसी डाउट के। क्लियर है बात? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।